जैन साधु में विकास प्रजापति सदगुरु डिफेंस एकेडमी खरगोन से। तो लेग एक्सरसाइज के लिए आपको आज बहुत ही सीढ़ियों वाली एक्सरसाइज बता रहा हूँ कि सीढ़ियों पर एक्सरसाइज कैसे करें। यदि आप फिजिकल तैयारी कर रहे हैं 1600 मीटर और 800 मीटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सीढ़ियों वाली एक्सरसाइज कैसे करना है उसके लिए आज जबरदस्त 5 एक्सरसाइज बता रहा हूँ जिससे आपके पैर की पावर बहुत जबरदस्त हो जाएगी और रनिंग में आप बहुत अच्छी रनिंग कर सकते हैं। तो देखें यहाँ का जो आपका पैर दर्द होता है वो बंद हो जाएगा और आपको पैर की पावर बढ़ाने के लिए बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज बता रहा हूँ, 5 एक्सरसाइज है और इस वीडियो को आप पूरा देखें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लड़कों को शेयर करें। तो देखें सबसे पहले आपको रनिंग में स्टार्ट करना है एक्सरसाइज। सबसे पहले पंजों का बल, एक बात का ध्यान रखें जब आप सीढ़ियों पर एक्सरसाइज या वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको पंजों के बल ही करना है, पैर को ठोकना नहीं है, पंजों के बल करें जिससे आपका ये पैर का इतना हिस्सा बिल्कुल मजबूत हो जाएगा और रनिंग में दर्द नहीं होगा। तो देखें सबसे पहले आपको सीढ़ियों पर राउंड में जाना है, रनिंग करते हुए राउंड में आना है, सबसे पहली एक्सरसाइज। देखें लड़के बताएंगे और आपको इसी तरीके से यदि आप घर पर हो या कहीं बाहर हो तो इसी तरीके से आपको सीढ़ियों वाली एक्सरसाइज करना है। इस तरह करें, इस तरीके से आपको पंजे के बल रनिंग करना और पंजे के बल ऊपर जाना, ऊपर नीचे भी पंजे के बल ही आना है। इस एक्सरसाइज के आपको 3-3 मिनट के 3 सेट लगाना है, 3-3 मिनट के 3 सेट, 20 सेकंड रेस्ट, फिर 3-3 मिनट के 3 सेट, ठीक है। इस तरीके से आपको हर एक्सरसाइज को करना है, तो हर एक्सरसाइज का आपको 3-3 सेट मारना है, 3 मिनट का करें, फिर 20 सेकंड रेस्ट, फिर 3 मिनट करना है। सेकंड एक्सरसाइज है आपको इसी में रनिंग में करना है, इसी को सेकंड बताएं, सेकंड एक्सरसाइज। इस तरीके से आपको रनिंग पर कंटिन्यू करना है, सीढ़ियों पर रनिंग करते हुए जाना है और वापस आना है, कंटिन्यू करें, देखें पास में लेकर आए बताएं। और इस एक्सरसाइज को भी पंजे का बल ही करना है आपको। बस आ जाए वापस, इधर रनिंग करते हो, रनिंग करते हो वापस आ जाए। अब उतरते टाइम में आपको इसी तरीके से आना है, रनिंग करते हो जाए, रनिंग करते हो जाए, बहुत अच्छे, वापस रिवर्स। ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज है, रिलैक्स। आपकी थर्ड एक्सरसाइज है, आपको क्या करना है सीढ़ियों पर इस पोजीशन में पंजे के बल आपको कंटिन्यू वहीं के वहीं आपको रनिंग करना है। देखो इस पोजीशन में स्पीड से पंजे का बल करना है जिससे आपके पीछे का हिस्सा बहुत ही पावरफुल और मजबूत हो जाएगा और रनिंग में किसी भी प्रकार का आपको दर्द नहीं होगा। देखो थर्ड एक्सरसाइज है, इसको भी 3 मिनट करना है, 20 सेकंड का रेस्ट, फिर 3 मिनट करें, 20 सेकंड का रेस्ट, जैसे आपको 3 बार करना है। स्टार्ट करें, देखो आपको इसको पंजे का बल करना है, पैर नीचे बताओ, वीडियो पास में लेकर आओ, पीछे भी लेकर आओ, इधर पीछे भी लेकर आओ, घुमाओ। देखो आपका पैर का ये वाला हिस्सा बहुत ही मजबूत हो जाएगा, बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, पैर का ये हिस्सा चलना चाहिए जिससे आपका पैर का पिछला हिस्सा जो रनिंग में दर्द होता है वो कभी भी दर्द नहीं होगा। इस तरीके से पंजे का बल करना है आपको रनिंग में एक्सरसाइज। ये अप डाउन करना है, कंटिन्यू करना है आपको जिससे आपकी पैर की पावर और भी मजबूत होगी। देखिए फोर्थ एक्सरसाइज, इसको भी आपको सेम इसी तरह करना है, 3 मिनट कंटिन्यू करें, 20 सेकंड का रेस्ट, 3 मिनट कंटिन्यू करें। देखें इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करें। यदि आप सीढ़ियों पर वर्कआउट कर रहे हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना, पंजे का बल करें, पैरों को जमीन से नहीं ठोकना है। यदि आप पैरों को ठोकते हैं तो वापस पावर ऊपर आएगा, यहाँ दर्द होगा, इस हिस्से में दर्द होगा, पूरा धीरे धीरे पूरा पैर दर्द होगा। इसलिए किसी भी एक्सरसाइज को आप पंजे के बल करें और रनिंग में आप बहुत ही जबरदस्त आपका इम्प्रूवमेंट होगा। 1600 मीटर कर रहे हो या 800 मीटर, बहुत अच्छी पावर हो जाएगी, पूरा पैर मजबूत हो जाएगा, कहीं से भी दर्द नहीं होगा। ये आपकी फोर्थ एक्सरसाइज है, रिलैक्स। साथियों आपकी पांचवी एक्सरसाइज है, आपको क्या करना है, एक पैर से जंप करके सेकंड सीढ़ी पर आना है, इस तरीके से पंजे के बल करना है इसको, इसको आपको कंटिन्यू जाना है सीढ़ियों पर, वापस आना है रनिंग करते हो, फिर वापस करना है, इसको भी 3 मिनट कंटिन्यू करें, 20 सेकंड का रेस्ट। फिफ्थ एक्सरसाइज, ये आपकी लास्ट है, फिफ्थ एक्सरसाइज है,
इस तरीके से पंजे का बल करना जिससे आपका पूरा पैर मजबूत हो जाएगा, और उधर से आते समय नीचे डाउन होते समय आप रिलैक्स एक्सरसाइज रनिंग करते हैं, उसके बाद वापस कंटिन्यू उसी तरीके से करना है। ठीक है, स्टार्ट करो। बहुत अच्छे साथियों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।